नमस्कार दोस्तों, कैम छो। मैं भार्गव पटेल, हाईटेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कई कई चैनल मैंने ऐसी देखी है जिस पर वीडियो तो बहुत अच्छे अच्छे अपलोड होते हैं, लेकिन उस चैनल को जब हम फर्स्ट टाइम देखते हैं तो कुछ ऐसा महसूस नहीं होता है कि ये चैनल अच्छी होगी, क्योंकि वो चैनल में वीडियो तो अच्छे है लेकिन वीडियो जो मेन फ्रंट पेज होता है चैनल का वो अच्छे से सेटअप नहीं किया होता है। जैसे कि ट्रेलर डालना होता है या फिर कोई वीडियो जो अच्छा हो और ज्यादा व्यू आए हो, या फिर बहुत ही अच्छा वीडियो आपने डाला हो और लोगों को पसंद आया हो वो वीडियो ट्रेलर में डालना चाहिए, तो ये सब पेज की सेटअप होता है पूरा का पूरा, वो नहीं किया होता है। तो इसीलिए ही मैं यहाँ पर आपको ये वीडियो बता रहा हूँ कि आपको, आपके पास यूट्यूब चैनल है तो आपके पेज की एक सेटअप करना है, चैनल का सिर्फ एक सेटअप करना है छोटा सा। इनमें बहुत सारे थोड़े बहुत फीचर्स जो होते हैं उसको सिर्फ एडजस्ट करना है, तो इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, ये लोगो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोगो आपको ऐसा रखना चाहिए कि जो भी आपकी चैनल को देखता है या फिर आपके वीडियो को देखता है फर्स्ट टाइम, तो उसको पता चल जाता है नहीं, ये तो हाईटेक हिंदी टेक्नोलॉजी की चैनल है और उसने ही वीडियो डाली हुई है। इसके बाद दोस्तों, एक और अट्रैक्टिव चीज़ यहाँ पर यह है कि यूट्यूब का पोस्टर। दोस्तों, यूट्यूब का पोस्टर एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से आप लोगों को बता सकते हैं कि हमारी चैनल, ब्रीफ में बता सकते हैं कि हमारी चैनल जो आपकी चैनल जो होती है वो किसके रिलेटेड है। आप यहाँ पर पोस्टर में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी चैनल का नाम ही लगा सकते हैं, रख सकते हैं लिखकर। आप यहाँ पर आपके वीडियोस के अंदर जो भी डाल रहे हैं, कॉमेडी है, टेक्निकल रिलेटेड है, जो भी है वो आप यहाँ पर थोड़े ब्रीफ में समझा सकते हैं, थोड़े बहुत लिख सकते हैं। तो जो भी न्यू विजिटर होगा आपकी चैनल का, उसको यहाँ पर पोस्टर देखते ही पता चल जाएगा कि नहीं, ये चैनल में इस टाइप का कंटेंट मुझे मिल जाएगा, राइट। तो ये दोनों चीज़ जो लोगो और ये यूट्यूब कवर होता है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर नीचे बात करें तो मैंने एक YouTube की और चैनल लगा रखी है, जो मेरी चैनल है व्लॉग चैनल, और उसके बाद यहाँ पर मेरा Facebook का पेज लगा रखा है। इससे दोस्तों फायदा क्या होता है कि जो भी आपके पेज का विजिट करता है उसको पता चलता है कि ये जो पेज है वो ऑफिशियल Facebook पर भी है, और आपका जो पेज Twitter पर हो, ऐसे कई सोशल मीडियाज पर हो, तो आप वहाँ पर लगा सकते हैं और इसकी लिंक रीडायरेक्ट कर सकते हैं आपकी चैनल पर। तो इससे फायदा क्या होगा कि जैसे ही वो यहाँ पर क्लिक करेगा, जो भी आपका विजिटर होगा वो जैसे ही क्लिक करेगा, तो आपका फेसबुक पेज डायरेक्टली या फिर ट्विटर, जो भी आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपना पेज बनाया है और लिंक रिडायरेक्ट की रखी हुई होती है, उस पर डायरेक्टली वो हो चला जाएगा, और यहाँ से वो पेज लाइक भी कर सकता है। इससे दोस्तों फायदा आपको ही है। क्यों फायदा आपको? इसीलिए है कि वो जैसे यहाँ पर फेसबुक पर लाइक्स बढ़ती है तो ज़्यादा व्यूज़ बढ़ते हैं, राइट, और ट्विटर पर भी ज़्यादा आपको फेमस करा सकते हैं। ये जो फीचर है ये आपको जल्दी ही फेमस करा देगी, आपकी सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे और व्यूअर्स भी बढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक वीडियो लगा रखी है जो है फॉर रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स, यानी कि जिसने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया होता है वो यहाँ से सेटिंग करके यहाँ पर वीडियो लगा सकते हो, और फिर न्यू विजिटर के लिए भी मैंने यहाँ पर एक वीडियो लगा रखी है। तो ये आप कैसे कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके चैनल के अंदर आप लॉगिन हो जाइए, और चैनल के अंदर जो आपका आपका डैशबोर्ड होता है वहाँ पर चले जाइए, फिर फ्रंट में क्या कीजिए, फॉर न्यू विजिटर पर क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ पेंसिल की टाइप का एक छोटा सा PNG आइकॉन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको उसके ऊपर सिर्फ आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन होगा कि एड ट्रेलर। हालांकि यहाँ पर मैंने एक ऑलरेडी ट्रेलर लगा रखा है, ऑलरेडी एक वीडियो लगा रखी है, तो आपको यहाँ पर एड ट्रेलर पर क्लिक करना है, तो एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो। उस बॉक्स में आपको लगता है कि आप एक अच्छी सी वीडियो बाहर जो नए विजिटर्स है उसको दिखाना चाहते हैं और थोड़ी अट्रैक्टिव लगे वो, उस टाइप की वीडियो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर सेव कर देना है सिलेक्ट करने के बाद। तो वो यहाँ पर फॉर न्यू विजिटर्स में आप ऐसा करेंगे तो होगा क्या इसमें कि वो जो टाइटल होगा वो भी आ जाएगा, उसके बाद थोड़ी ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगी, और उसके बाद जो ये वीडियो होता है वो ऑटो प्ले हो जाएगा कि जैसे ही कोई भी न्यू विजिटर होता है, वो जैसे ही आपकी चैनल की विजिट करता है तो होता क्या है कि ये जो वीडियो होता है ऑटो प्ले हो जाता है।
तो उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ती और पहली बार में ही देख लेता है कि वीडियो अट्रैक्टिव है और ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स के लिए भी आपको थोड़ा बहुत सेटअप करना होता है, प्रोसेस सेम टू सेम है, वहाँ पर पेंसिल पर क्लिक करना है और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्या लगाना है। तो डिफॉल्ट कंटेंट में यहाँ पर आपको डिफॉल्ट कंटेंट में मिल जाएगा कि लेटेस्ट अपलोड या फिर लेटेस्ट एक्टिविटी, आप यहाँ पर लेटेस्ट अपलोड सिलेक्ट कर दीजिए ताकि जो भी ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखी है, जिसको भी आपकी चैनल में इंटरेस्ट है ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखी है और वो कभी कभी या फिर नए अपडेट्स पाने के लिए जब भी आपकी चैनल की विजिट करते हैं तो होता क्या है कि वो तुरंत ही देखते हैं कि नहीं, ये वाली जो रिस्क ऑफ क्रैक एप्स ये मैंने रिसेंटली अपलोड की हुई है और ये वीडियो मैंने देखने अपलोड हो गई है लेकिन मुझे देखना बाकी है, तो तुरंत ही वो अपलोड कर सकता है और न्यू विजिटर को ये वाली वीडियो दिखाई देगी, राइट। तो आपको इस तरह से सेटअप करना है, ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि थंबनेल की बात करें यहाँ पर, तो चैनल एकदम अट्रैक्टिव आपकी चाहिए और एकदम साफ सुफ रखनी है चैनल, तभी जाके आपके व्यूज और सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत मिक्स वीडियोस डालेंगे और ऐसी वैसी वीडियो डालेंगे, थंबनेल अच्छा नहीं होगा या फिर आपके वीडियो का कंटेंट अच्छा होगा लेकिन थंबनेल अच्छा नहीं होगा, तो क्या होगा कि जो फर्स्ट विजिटर होता है, जब आपको सबको हम सबको पता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, राइट। तो हमारी जो फर्स्ट इम्प्रेशन होती है उसको कभी हम डाउन नहीं कर सकते, इसको अच्छा ही रखना है। तो आप मेरी यहाँ पर मेरे थंबनेल देख सकते हैं कि सभी थंबनेल एक जैसे ही आपको लगते हैं और सिर्फ उस पर मैंने जो कुछ वर्ड्स डाले हुए हैं कुछ ब्रीफ में कि वीडियो किस रिलेटेड है, तो आप जो भी वीडियोस मेरी देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से उसको पता चल जाता है कि वीडियो सभी इस टाइप की डाल रहा है और अच्छी अच्छी वीडियो होगी, क्योंकि थंबनेल देखकर ही अंदाज लग जाता है। आप ही सोच लो, आप भी किसी की वेबसाइट पर किसी की चैनल पर जाते हो तो थंबनेल देखकर ही आपको पता चल जाता है, नहीं ये बंदा जो कर रहे हैं शायद इसके वीडियो अच्छे हो गए, राइट। तो आपको ये जो रो है पूरी रिसेंट एक्टिविटीज की, ये कैसे डालना है, तो यहाँ पर जो पेंसिल वाले ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है और उसको आप यहाँ से पूछता है आपको कि कंटेंट एंड लेआउट, राइट। तो कंटेंट पर आपको रिसेंट एक्टिविटीज या फिर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो आप यहां से रिसेंट एक्टिविटी सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपको किस तरह में वर्टिकल लिस्ट में चाहिए या फिर हॉरिजॉन्टल रो में चाहिए, तो आप उस तरह से सिलेक्ट कर दीजिए अपने हिसाब से और यहां पर डन कर दीजिए। जैसे ही आप डन करते हैं तो इस तरह से आपका एक रो क्रिएट हो जाएगी और वो न्यू विजिटर को दिखाई देगा और वो यहाँ से ही इजिली आपके वीडियोज को ढूंढ सकेगा। उसके बाद एक रो ऐसी भी बना दीजिए कि पॉपुलर अपलोड्स, यानी कि जो भी विजिटर है उसको पता चले कि इस जो भी ये क्रिएटर्स है, जो भी ये यूट्यूबर है, जो भी ओनर है इस चैनल का, उसने बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस डाले हुए हैं इस चैनल में और वो बहुत पॉपुलर है। तो प्रोसेस वही सेम है, आपको यहाँ पर एड सेक्शन लिख कर दिखाई दे रहा है, तो आपकी चैनल में आपने ये सब नहीं किया हुआ होता है तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से सेटिंग्स मिल जाता है, तो एड सेक्शन पर क्लिक करना है तो आपको सेम यही आपको मिलेगा। तो कंटेंट पर फिर आपको जो आपको डालना हुआ होता है वो पॉपुलर अपलोड्स को सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रो या फिर वर्टिकल लिस्ट को आप सिलेक्ट कर दीजिए, उसके बाद डन कर दीजिए। तो इस तरह से आपका जो पूरा रो का सेटअप हो जाएगा, उसका पूरा पेज का सेटअप हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक बात करें यहाँ पर कि सपोज कर लो कि आपके पास दो यूट्यूब चैनल है, आप दो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं या फिर आपके पास अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स है और आप गिव अवे कर रहे हैं या फिर कोई और चैनल को आप प्रमोट कर रहे हैं, जैसे कि आपके फैमिली में हो या फिर आपकी फ्रेंड की हो, कोई भी चैनल आप यहाँ पर लगाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर सिर्फ इस पर पेंसिल, ये सब पेंसिल वाले पीएनजी है उस पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद एडिट मॉड्यूल, आपने पहली बार जब आप ऐड कर रहे होते हैं तो ऐड मॉड्यूल लिख कर आएगा, तो यहाँ पर टाइटल जो देना है वो यहाँ पर सेक्शन टाइटल में आपको टाइटल रख देना है। उसके बाद जो भी चैनल आप प्रमोट करना चाहते हैं वो चैनल का यूआरएल यहाँ पर पेस्ट कर देना है और उसके बाद यहाँ से ऐड कर देना है। आप यहाँ पर एक से ज़्यादा चैनल ऐड करवा सकते हो। इसके बाद यहाँ पर सिर्फ डन कर देना है, तो इस तरह से ये आपको लुक मिल जाएगा। तो जो भी आपकी चैनल को विजिट करता है, राइट, तो जो भी चैनल को विजिट करता है तो उसको पता चलता है कि एक और जो चैनल है, तो ये YouTube चैनल तो अच्छी है लेकिन ये जो क्रिएटर है वो कह रहा है कि ये चैनल भी शायद अच्छी है और उसको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए।
वो यहाँ से फायदा ये होगा कि आपकी दूसरी चैनल पर भी सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे और यहाँ से सीधे ही सब्सक्राइब कर सकते हैं वो। उसके बाद दोस्तों ये एक फीचर आता है रिलेटेड चैनल, इसका आपको ऐसा लगता है कई कई जो यूजर्स होते हैं, कई कई यूट्यूबर्स होते हैं वो इसको डिसेबल कर देते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं मेरी चैनल के अंदर कोई भी विजिट करता है तो उसको और कोई चैनल नहीं दिखनी चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर ये बताने जा रहा हूँ कि इसके फायदे क्या है। इसमें आप जब ये रिलेटेड चैनल्स को एनेबल करते हो तो जो भी फर्स्ट विजिटर होता है आपकी चैनल को विजिट करता है फॉर द फर्स्ट टाइम, वो क्या देखता है कि रिलेटेड चैनल यानी कि इस चैनल के रिलेटेड कौन से चैनल है, जैसे कि टेक्निकल गुरुजी, बीइंग देसी, क्या देसी, माय स्मार्ट सपोर्ट, टेक गुरुजी, कंप्यूटर इन हिंदी, तो उसको अंदाज आ जाता है कि ये चैनल जो है किस चैनल के रिलेटेड है और पता चल जाता है कि नहीं ये जो है टेक्निकल रिलेटेड चैनल है या फिर आपकी कॉमेडी रिलेटेड चैनल होगी। तो यहाँ पर उस हिसाब से यूट्यूब अपने आप रिलेटेड चैनल्स का लिस्ट क्रिएट करके यहाँ पर रख देगा, तो जो भी फर्स्ट टाइम आपकी चैनल को विजिट करते हैं उसको पता चल जाता है कि नहीं ये कॉमेडी रिलेटेड है या फिर कॉमेडी चैनल है या फिर कोई थिएटर रिलेटेड चैनल है, एजुकेशन रिलेटेड चैनल है, उसको इसे ही पता चल जाता है। उसके बाद दोस्तों फायदा और क्या फायदा होता है, सिर्फ इतना ही फायदा नहीं है कि सिर्फ पता चलता है विजिटर को। दोस्तों जैसे ही धीरे धीरे आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी मेरे 2000 के आसपास सब्सक्राइबर्स है राइट, तो जैसे ही मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो होगा क्या कि मेरी जैसे रिलेटेड चैनल जितनी भी चैनल होगी उसकी चैनल के ऊपर, जैसे कि यहाँ आप किसी और की चैनल देख रहे हैं वैसे आपकी खुद की चैनल आप यहाँ पर पाओगे राइट। तो जो भी उसकी चैनल में भी जो विजिट करता है और रिलेटेड चैनल्स में आपकी चैनल होती है तो वो सब्सक्राइब कर सकता है, तो उसको पता चल जाएगा कि नहीं ये चैनल्स भी सभी उसके रिलेटेड है और सब्सक्राइब कर देते हैं। इसका यूट्यूब का रूल्स दोस्तों ये है कि आप जब इसको एनेबल रखते हो तब ही आपकी चैनल किसी और की चैनल में जो रिलेटेड चैनल के लिस्ट में आएगी, वरना ये रिलेटेड चैनल के लिस्ट में नहीं आएगी राइट ठीक है। तो आपको इस तरह से कुछ चैनल का सेटअप कुछ फ्रंट पेज का सेटअप करना होता है और अच्छे से सेटअप करते हैं तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन जैसे कि मैंने बताया, तो न्यू विजिटर होता है उसको पता चलता है कि नहीं ये वीडियो ये जो चैनल है वो अच्छी है और बाहर से दिख रहा है कि नहीं ये तो एकदम अच्छी है, थंबनेल अच्छे हैं, कीवर्ड्स अच्छे सॉरी टाइटल अच्छा है तो वो सब्सक्राइब कर देता है। तो इस तरह से आपको कुछ कुछ बातें का ख्याल रखना होगा यहाँ पर, और ये जो मैंने बताया कि कैसे आप एडिट कर सकते हैं तो जल्दी से अपनी चैनल पर सेटअप कर दीजिए और चैनल को अट्रैक्टिव बना दीजिए। और इस यहाँ पर दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही नए नए वीडियोज लाता रहता हूँ। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा और आप अपनी चैनल को सेटअप कर दीजिए जल्दी से, और इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और आपने अब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले क्योंकि मैं यहाँ पर यूट्यूब रिलेटेड वीडियोज बहुत सारे वीडियोज लाता रहता हूँ। और तब तक के लिए आओ जो